तो स्वागत आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। जैसे कि पहले पार्ट के वीडियो में हम भारत इज माई होम, जो आपकी क्लास 12 इंग्लिश के प्रोस सेक्शन का सेकंड चैप्टर है, का पहला पार्ट में ही हमने बहुत मतलब लगभग 50% ही मैंने उसके होम पेज और दिए गए कुछ स्टेटमेंट को हिंदी में करके समझा दिए हैं। अब इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में बचे हुए जो उनका स्टेटमेंट है उसको वन बाई वन करके प्रत्येक लाइन को हिंदी में करके समझेंगे। और चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ही भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दी गई स्पीच का ये स्टेटमेंट है। और जैसे ही आप देखिए वहाँ पर समझिए कि वक्ता डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात की जा रही है। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे कहते हैं, फादर मतलब आगे कहते हैं डैट कि आवर फैमिली, अपना परिवार। बहुत ही इत्मीनान से समझे, क्योंकि बस इतना ही है, इतना समझने के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ही फर्दर सेज, वो आगे कहते हैं डैट कि आवर फैमिली, अपना परिवार, और परिवार तो शुरू से इंडिया को ही मानते आए हैं। आवर फैमिली, अपना परिवार इंडिया इज लार्ज, बड़ा है। एंड और आई हैव टू वर्क हार्ड, और हमें कठिन परिश्रम करना होगा। किस चीज़ के लिए भाई? टू कीप ऑल द मेम्बर ऑफ आवर फैमिली हैप्पी, परिवार के सभी सदस्यों को खुश रखने के लिए। ठीक है, अब अगले लाइन में देखिए क्या लिखते हैं। ही, फिर वही बात, ही के जगह पर क्या समझना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं। ही ऑलवेज कंसीडर्स, वो हमेशा से मानते आए हैं भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। एंड और प्लेजेस, और संकल्प लेते हैं टू मेक, बनाने के लिए इट ए स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इसको मजबूत बनाने के लिए, किसको, भारत को मजबूत बनाने के लिए। एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर भी बनाने के लिए। फिर से एक बार समझिए, ही ऑलवेज कंसीडर्स भारत इज माई होम, वो शुरू से ही मानते आए हैं या हमेशा से ही मानते आए हैं कि भारत मेरा घर है। एंड और प्लेजेस, संकल्प लेते हैं टू मेक इट ए स्ट्रॉन्ग, इसको मजबूत बनाने के लिए। एंड और ब्यूटीफुल होम, और सुंदर भी बनाने के लिए, मैंने इस भारत को अपना घर मानते हैं और इसी भारत को सुंदर और मजबूत घर बनाने का भी वो क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे वो क्या लिखते हैं। इन विच, जिसमें द पीपुल कैन लीड, जिसमें लोग रह सकें ए प्रोस्पीरस, एक समृद्धि एंड और हैप्पी लाइफ, खुश जिंदगी। मतलब ये भारत को सुंदर और मजबूत घर बनाने का संकल्प लेते हैं और कहते हैं इसलिए कि हम भारत को सुंदर और मजबूत घर इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि इसमें रह रहे लोग जो है ना वो सुख और समृद्धि वाला जिंदगी जी सके। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं, बड़े ही इत्मीनान से समझिए। वो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, टेलिंग अबाउट एजुकेशन। देखिए वो शिक्षा के बारे में कहते हुए, टेलिंग अबाउट एजुकेशन का मतलब हुआ शिक्षा के बारे में, अबाउट माने के बारे में, अबाउट एजुकेशन मतलब शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में कहते हुए, टेलिंग मतलब कहते हुए, तो टेलिंग अबाउट एजुकेशन शिक्षा के बारे में कहते हुए, अर्थात, आई का मतलब अर्थात समझिए, अर्थात टू मेक द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, अर्थात अपने राष्ट्र का भविष्य बनाने के लिए ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सुंदर और उज्ज्वल, अपने राष्ट्र को सुंदर और उज्ज्वल बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना। फिर से देखिए एकदम बिल्कुल इत्मीनान से, टू मेक द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, अपने राष्ट्र का भविष्य बनाने के लिए, किस हिसाब से वो भविष्य बनाना चाहते हैं, सुंदर और उज्ज्वल, सुंदर और उज्ज्वल अपने राष्ट्र के भविष्य बनाने के लिए। ही सेज, देखिए ही यहाँ पर साइलेंट है, ही सेज, वह कहते हैं डैट कि, क्या कहते हैं, एक लाइन बहुत ही सुंदर लाइन बोलते हैं, इसे ये एक प्रेरणा का स्रोत है हम सभी के लिए। चलिए देखिए क्या बोले हैं, इसलिए मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत में रखा हूँ। ठीक है, देखिए एजुकेशन इज वन ऑफ द प्राइम, एजुकेशन ठीक है ना, शिक्षा जो है ना एक मुख्य, देखिए सोर्स, देखिए एजुकेशन इज वन ऑफ द प्राइम सोर्स, यहाँ तक आ जाइए तब जाकर के हिंदी निकालने में बहुत आसानी होगी।
एजुकेशन इज वन ऑफ द प्राइम सोर्स, शिक्षा समझ रहे ना, शिक्षा क्या है, मुख्य स्रोत है। प्राइम सोर्स मतलब होता है मुख्य स्रोत या प्रमुख स्रोत, शिक्षा प्रमुख स्रोत है क्या चीज के लिए, ऑफ आवर नेशन बिल्डिंग, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए। मतलब कुल मिला जुला करके इसका हिंदी क्या होगा, ये एक लाइन में बोलते हैं कब, जब ये स्पीच दे रहे थे, संकल्प ले रहे थे भारत के राष्ट्रपति पद का, जब शपथ ले रहे थे उस समय उन्होंने ये लाइन बोली थी कि शिक्षा हमारे राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है, एक प्रमुख स्रोत है। देखिए शिक्षा का कितना बड़ा बात बोले हैं शिक्षा के बारे में। अंत में एट लास्ट, एट लास्ट मतलब अंत में, एट लास्ट अंत में ही एश्योर्स, वह आश्वासन देते हैं। एश्योर्स मतलब होता है आश्वासन देना या विश्वास देना, अंत में वो लोगों को विश्वास दिलाते हैं, ठीक है ना, द पीपुल आगे है ही है। एट लास्ट ही एश्योर्स, अंत में वह द पीपुल मतलब लोगों को आश्वासन देते हैं यानी विश्वास दिलाते हैं टू सर्व, क्या करने के लिए, सेवा करने के लिए, द नेशन किस चीज को सेवा करने के लिए, पूरे राष्ट्र को सेवा करने के लिए, विथ हार्ट एंड सॉल पूरे दिलो जान से। तो आई होप कि यहां तक जो कुछ भी मैंने समझाया, मतलब प्रत्येक लाइन को उनके दिए गए स्टेटमेंट के प्रत्येक लाइन को जो मैंने हिंदी करके जो बहुत ही आसान भाषा में हमने जो समझाने की कोशिश किया, आई होप कि आपकी ये दिमाग में बैठ चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।